यहाँ कीड़े जो है वो अपनी वॉइस निकाल रहे हैं। ये किनमोड़े लेके आई हूँ, देखो उतने दूर से कैसे लग रहे हैं किनमोड़े। हाँ पापा ने इन बच्चों को आने आइसक्रीम भी खा दिया। तू कौन सा काम आगे लाई? ये हिसालू, ये दोनों प्रकार के हिसालू, एक कतिहेड़ बोलते हैं पर ये भी हिसालू जैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी है। और एक तीन प्रकार के मैंने दिखा दिए। एक पर हमारे यहाँ जो है रुपाई लगा दी जाती है, तो ये इन खेतों में जो है इधर को रुपाई लगाई जाएगी यहाँ नीचे। Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सो गाइस, मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 1 बजे से और धूप भी लगी है और देखिए चारों ओर कैसी आवाज आ रही है, ऐसी पूरी साउंडिंग आ रही है क्योंकि चिड़िया कीड़े जो है वो अपनी वॉइस निकाल रहे हैं। और अभी ना बिल्कुल बहुत धूप भी लगी है और अभी जो है सब लोग सोए हैं, मम्मी पापा लोग सब सोए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हिसालू खाने के लिए भागूँ। तो बच्चे तो सोते नहीं हैं और मैं भी कभी दिन में सोती नहीं हूँ, तो मेरे माइंड में आया कि कल ना मुझे रास्ते से दिख रहे थे बहुत सारे हिसालू थे, खा तो मैं कल सकती थी पर खा तो मैं पूरा सामान था, पीठ पर भी सामान था और ऊपर से बारिश भी हुई थी, छतरी भी पकड़ना था, तो बहुत खाने का मन करता पर मिला नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गाँव जाके बच्चों को भी खिलाऊँ और खुद भी खाऊँ, तो इसलिए जो है मैं आ गई आज हिसालू खाने के लिए। तो अभी सब सो, जब तक सब सोए हैं तब तक फटाफट से हमने हिसालू भी खाने हैं और साथ में हम मुँह क्यों लगा रहे इसमें, और साथ में देवा भी आया। देवा क्या करने आया है? ये हिसालू खाने नहीं है, हिमसालू खाने आया है। हिमसालू क्या? हिसालू, हाँ हिसालू और किलमोड़े। बहुत सारे प्रकार के जो है हिसालू होते हैं, तो गाइस मैं दिखाती हूँ किस किस प्रकार के होते हैं। जी देखिए यहाँ ना हिसालू हैं, इसको ना कतिहेड़ बोलते हैं, अभी दिख नहीं रहे होंगे, और वहाँ किरमोड़े हो रखे हैं, उधर भी हिसालू हैं, तो पूरा भूड़ भूड़ हो रखा है पूरा यहाँ पर। ऐसे हम काटू के अंदर से ऐसे निकालेंगे पर देखती हूँ। और ये देखिए कुछ हरा भरा सा नज़ारा भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए उधर खेत हैं, हम सुबह वहाँ नीचे खेत में गए थे और अभी भी काम ये हिसालू खाने के बाद वहाँ जाना नीचे खेत में, फिर दिखाऊंगी मैं वहाँ का भी। देखो देवा को कैसे हिसालू खाने के लिए चले गया, पर काटे हैं बहुत सारे, अभी नीचे दूंगी, देवा बोला ना मैंने। ये देखे गाइस, ऐसे देखिए हमारे पहाड़ों में इस तरह से फ्रूट्स होते हैं, पहाड़ी कंदमूल फल हैं ये देखिए, ये इसको ना हम कतिहेड़ बोलते हैं और ये कांटे कांटे से हैं, इसको बकरी अच्छा खाती। सो गाइस, मैंने तीनों प्रकार के देखे ऐसे मैंने जो है हिसालू, ये हिसालू, ये दोनों प्रकार के हिसालू, कतिहेड़ बोलते हैं पर ये भी हिसालू जैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी है। और एक तीन प्रकार के मैंने दिखा दिए, एक प्रकार के मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और एक और होते हैं काफल होते हैं जो आजकल फेमस बिरयानी, वो ऐसी इसके खाए तूने भी खाए हैं वो? हाँ, तो इस बार हमने नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया नहीं खा रखा, पर पहले एक बार खाए थे, मेरे मायके साइड तो होते हैं और बहुत सारे किरमोड़े हैं, तो फटाफट से ना हम खा लेते हैं। और मैं दरातली लेके आई हूँ, ऊपर से किरमोड़े काट देती हूँ और ये बहुत टेस्टी होते हैं। देखिए गाइस, ऐसे दिखाना प्रिया, इसका ना ऐसे कलर ये रंग जैसा आता है, ये देखिए इस टाइप का होता है, अंदर से बीज भी होता है और ये देखो पूरा रस आता है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है और ये वाला रेड जैसा अच्छे से स्ट्रॉबेरी लग रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल इतना रस है एक ही में, और इसमें भी वैसे ही होता है और ये बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा बिल्कुल। आज मैं किरमोड़े खाने आई हूँ और ये बहुत टेस्टी है और ये पहाड़ों में ही मिलते हैं, कहीं शॉप में नहीं मिलते और ये शहर में भी नहीं मिलते, और इसलिए हम इधर खेलने खाने आए हैं और ये बहुत खट्टे हो रहे हैं, इसलिए मुझे खट्टा भी बहुत पसंद है इसलिए। और जब इसको दबाते हैं पर्पल कलर का आता है, इससे इसका मुझे लगता है कि इसका जूस भी बना सकते हैं, वैसे तो मुझे उतना भी नहीं पता, फिर तो यम्मी है। सो गाइस, इसकी बुआ लोग भी आए हैं, तो देवा ना घर भाग गया क्योंकि आइसक्रीम लेके आए हैं, बोला पिघल रहा है, बोला ना ऐसे भागा देवा, क्या बताएं यार, फिर मोड़े पे छोड़ के गया, पहले बोला था मैं पूरा लोटा भर के जाएंगे ना प्रिया, और अभी देखो भाग के चले गए, आइसक्रीम का नाम सुनते ही ना वो बच्चा भाग गया। और हमने देखिए इतने सारे टिप रखे हैं और ज़्यादा ना टिपे नहीं जा रहे, कांटे भी चुप रहे हैं, और हम ये पूरा टहनी घर को ले जाएंगे, वहाँ दे आइसक्रीम खा दिया, चलो भाग गया यार, ये भी भाग गया, आइसक्रीम खा दिया तेरा, बोला ये भी भाग गया, मैं अकेली रह गया। लेकिन मोड़े लेके आई हूँ, देखो उतने दूर से कैसे लग रहे हैं किरमोड़े। हाँ पापा ने इन बच्चों को आने था आइसक्रीम भी खा दिया। तू कौन सा कमा के लाई है? कमा के लाई है, मेहनत करके काट के तो लाई है ना, नहीं काटते तो अगले साल और होता है, हो जाता वो तो। और ये देखो कितने सारे, थोड़ी नहीं खा सकता हूँ, कुछ नहीं खाते आप, मत खाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, पेट के भी नहीं खा लो, पेट की उल्टी करके निकालो। अभी जो है मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और खेत में से ना हम घास काटेंगे,
तो घास काटने के साथ साथ जो है हमारे यहाँ जो है रुपाई लगा दी जाती है, तो ये इन खेतों में जो है इधर को रुपाई लगाई जाएगी यहाँ नीचे। और यहाँ पर ना बिन होता है जो उसको रखा जाता है, बीज रखा जाता है जो रुपाई वाला होता है, तो उसके ना गुड़ा निराई करनी है। तो बहुत सारा घास और रखा है, दिखाते हैं। सुबह भी हमने किया था, सुबह नीचे वाले खेत में किया था मम्मी और मैंने, और अभी जो है हम इस वाले खेत में करेंगे। कितना सारा घास रखा, बहुत ज़्यादा घास रखा हमारे बियन में, ये देखिए वो उधर तक है पूरा खेत, और नीचे वाला तो छोटा सा था वो सुबह क्या था। सो गाइज, मैं ना गीता को बहुत मिस कर रही हूँ, और जैसे कि और टाइम पर हम होते थे ना दोनों साथ में आते थे खेत में, तो दोनों निराई जो भी करना मतलब साथ में करते थे और साथ में घर जाते थे जहाँ भी जाते थे। तो आज जो है मुझे अकेले आ रही हूँ, और अकेले काम करने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बोरिंग हो जाती है। अगर साथ में होते तो भी बातें, कुछ बातें उसने अपनी की, कुछ मैंने की, कुछ थोड़ा उसने किसी की, थोड़ा मैंने किसी की, तो फिर टाइम का कोई पता नहीं चलता, जल्दी जो है टाइम निकल जाता है, और साथ में टाइम के साथ साथ जो है काम भी निकल जाता है, काम भी खत्म हो जाता है साथ में। पर अब वो नहीं होता है, अकेले अकेले करना है मैंने, तो मैं गीता को बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसे वो आने वाली है, कुछ दिन में आ जाएगी, हमने उसको बता दिया है कि हम घर आ चुके हैं, तो जब हम घर आएंगे वो तभी आने वाले थे, तो आ जाएंगे वो भी एक दो दिन में आ जाएंगे। तो करती हूँ मैं अकेले, अब तो अकेले ही हूँ, तो अकेले जल्दी देवरानी लानी पड़ेगी मुझे, नहीं तो अकेले जो है मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी गीता और मैं होते तो हम बातें भी करते, साथ साथ में काम भी करते, बहुत मज़े करते हम, बट अब वो नहीं हो सकता, जब आएगी तब करेंगे। अभी जो है हमारे यहाँ पे ना बहुत जोर की बारिश हुई थी, और खेत में से हम ना दौड़ के घर आए थे, और ये रही प्रिया, प्रिया तो धूप उजाला हो रखा ना उस साइड, इसलिए आने और बच्चे भी यहाँ पर। और अभी ना हम सब आग सेक रहे हैं, हमने आग जलाई है, और बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही ना तो फिर ज्यादा ठंडा हो जा रहा है, दिन में तो ऊपर में तो फिर धूप लग रही है, तो फिर तब तो गर्म हो ही रहा है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वहाँ के हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है, बट वैसे हो रहा है थोड़ा बहुत। और अभी जो है ठंडा हो रहा है, ठंडे से हम सेक रहे हैं यहाँ पे चूल्हे पे आग, दिखा ये देखिए हमने जलाई है छोटी सी आग, और हम जो है अभी आग सेकी जा रहे हैं, कब से सेक रहे हैं हम आग। और इन बच्चों का काम ना बिल्ली के पीछे, बिल्ली की हालत इतनी, बिल्ली ना जब भी ये घर आते होंगे ना पहले ये ऐसे रोने लग जाती होगी अंदर से, ये देखो ऐसे ही पकड़ के जहाँ जाएंगे अपने कमरे में भी इसी को रखते हैं। और ये लड़का है यहाँ पे, बारिश हुई और मैं खेत में से ना थोड़ा लेट आई इनको, मैंने जल्दी घर जाओ बारिश होने लग गई बोला, ये भी वहीं थे, और घर आया पूरा बारिश में ऐसे नाचा कि भीग गया, अकल ही नहीं है इसके बाद, थोड़ा सा भी हंस रहा है, बीमार हो जाता है ना बारिश में, ऐसे नहीं नाचते हैं। ये हमारे गोदी पे बैठी है, इसको गरम गरम भी लग रहे थे, देखो कैसे स्ट्रेच हो रही है। हाँ। मैं पापा ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो पाओ से इधर से पूरा।